वालेकुम भाई सलाम जी। भाईजान की ना है नासिर खान। नासिर खान, आप इधर माल खरीदने आए हो या बेचने आए हो? इधर खरीदने आए हैं। अच्छा, खरीदा है कुछ? खरीदा नहीं है, बहुत महंगे रेट लगा रहे हैं वो 2,10,000। वो 2,10,000 बता रहे हैं, हम सिर्फ 1,10,000 बता रहे हैं, तो बहुत महंगा है। फिर सौदा नहीं हुआ आपका? सौदा नहीं हुआ, किधर सौदा होगा। तो क्या वजह है भाई, महंगी है बहुत मंडी? बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। तो गरीब आदमी की तो पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी बस वो 650 वाला ब्लेलर ले, वो पकाए और खाए मजे से। सही बात है, हम भी वही खाएंगे। सही बात है भाई जान। आप वालेकुम सलाम। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? नहीं नहीं, बस मंडी बहुत महंगे है, फिर गर्मी ऊपर से इतना गर्मी है, किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, न किसी पानी का इंतज़ाम है, न किसी चाव का इंतज़ाम है। तो सबसे पहले इंतज़ाम हो जाए इस चीज़ का, तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद रेट का बहुत ज़्यादा रेट है, ये छोटा माल हो गया, बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा रेट है। भाईजान किधर से आया? हम इधर बकर से आए। बकर ज़िले के? जी जी। आप भी भाईजान? मैं एबटाबाद नारंगी टाउन से आया हूँ। माशाल्लाह, बड़ा सफ़र करके आए हो भाईजान। इधर से ख़रीद के लेके जाओगे? जान बस लेके जाएंगे, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, 1-2 घंटे बाद आएंगे। चलो अल्लाह ताला आपकी इसमें आसानी फरमाए भाई, हम दुआ गो हैं। इधर एक मौलिया आप बताएं, इधर एक मौली आया हुआ है 2,10,000 वाले का 1,10,000 बोल रहा है। अच्छा, अच्छा। जिसके पास भी जाता है, चाहे वो 3,00,000 हो, उसको 1,10,000 बोलता है। हम तो उससे तंग आ चुके। चलो हम उस मौली को तलाश करते हैं भाई। दाढ़ी है उसकी। क्या हाल है भाई जान? क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम। ठीक, ड्राइवर हो आप? जी जी, ड्राइवर। किधर से आए हो भाई? मियांवाली। मियांवाली जिला? मियांवाली। जी जी। तो क्या लेके आए हैं भाई जान इधर? इधर खाली आए हैं बस। खाली हैं? जी जी। तो वापसी जानवर लेके जाएंगे? जी जी, जानवर लेके जाएंगे। क्या नाम है भाई? हमजा। हमजा, तो सर कहाँ कहाँ जाते हैं आप, कौन कौन सी मंडी में जाते हैं, कौन कौन से शहर में? हम लोग पेशावर जाते हैं, पिंडी जाते हैं, मुल्तान जाते हैं। तो इस वक्त अभी इधर बैठे हैं भाई। मंडी सस्ती है महंगी है? बड़ी महंगी है। महंगी है? जी जी। हमने तो भाई इधर विज़िट किया है, बेचने वाले हैं, ख़रीदार कोई नहीं है। हाँ ये बात तो है। आप लोगों को भाई इधर रोज़ी मिल जाती है? ट्रैक मिल जाती है बिल्कुल। तो अंकल आप कहाँ से हैं? मियांवाली से। नहीं, आप भी मियांवाली से हैं? आप भी ड्राइवर हैं अंकल? जी ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो अंकल जी कैसे है, आपको महसूस होता है इस काम में? बस ठीक है, गुजारा है। क्योंकि ड्राइवर बंदे का तो अंकल जी अक्सर दिन रात बाहर ही गुजरते हैं, किस्म का परदेसी होता है घर से बाहर। बस क्या करे, बच्चों की मजदूरी तो करनी है ना जी। तो आप 24 घंटे अंकल जी रोड पे चलते हैं, क्या फीलिंग महसूस होती है आपको? बस हूँ आदत बन गई है ड्राइवरी वाली भाई, जिंदगी ठा वाली है। रोड तो देख के ही है ना, जिंदगी बन गई है, सारी आदत ही है बन गई है, हूँ नहीं महसूस इतना होना। 38 साल हो गए मैं ड्राइवरी कर। अंकल जी आप शादीशुदा हैं? हाँ शादीशुदा, 4 बच्चे बेटा ही ड्राइवर। तो अंकल जी आप दिन रात जो बाहर होते हैं, अक्सर तकरीबन आप 1-2 माह के बाद घर जाते होंगे, बच्चे याद नहीं आते? बस याद आते हैं, क्या करें, मजदूरी तो करनी है ना जी। अच्छा अंकल जी एक बात और, ये गाड़ी आपकी अपनी है या वैसे चलाते हैं? माशाल्लाह अपनी है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई जान आप? बस जी। गाड़ी अपनी है? नहीं नहीं अपनी नहीं है। अच्छा, यानी कि ड्राइवरी करते हैं आप, किसी का मजदूरी सही मिल जाती है? जी जी सही मिल जाती है जी। तो भाई जान और हमारे कोई लायक हो माल मंडी कुर्बानी के, जो बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप आज माल मंडी में आए। गर्मी भी बहुत शिद्दत से पड़ रही है और अक्सर जानवर भी मरे हुए हैं गर्मी की शिद्दत में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जानवर देखें माशाल्लाह, ये सब कुर्बानी के जानवर हैं जो अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे जानवर हैं। और जान देना आसान नहीं है, कुर्बान अल्लाह की राह में कुर्बानी देना कोई आसान काम नहीं है। जिस चीज़ की कुर्बानी हो रही हो उसी को पता होता है कुर्बानी क्या चीज़ है। वालेकुम सलाम। चाचा क्या हाल है? ठीक। गड्ढा बेचना है? आए तो बेचन खड़ोते हैं वीक गए था। चाचा गड्ढा कितने का बेचेंदा? क्या कहूँ यार, जितना दान वीक सी मंग देता 15,000 है जेड़ा दा वीक गया।
चाचा मूल कौन लगाएगा? मूल ही अलग दकड़ो थे 6-7 6-7। क्यों विचेंदे वे? बस विचेने आपड़े घर दिन बीच विचेने, बाकी की देखी तो मजदूरी करे ने, मजदूरी करके घर दे बीच वे छोड़े। मेहरबानी चाचा, शुक्रिया। जान खान तो चाचा ईद दे बीच कितने डी पहन? बाकी ईद दे बीच मेरा ख्याल है 4-5 डी पहन। 4-5 डी पहन। चाचा माल वेचण आयो घिनण आयो? वेचण आयो। वेचण के मूल मांग दियो चाचा? दा ईद दा 1,40,000। 1,40,000। ते चाचा ये कितने मान दे? माशाल्लाह ये तकरीबन 4-4.25 मान। बैल माशाल्लाह चाचा सेहतमंद है, घर आप तैयार किते? जी। अच्छा ते चाचा ये कितने महीने दे या साल दे? ये 2.5 साल तकरीबन थी मान वाले। 2.5 साल दे, यानी के खुद हाले खीरा खड़े? खीरा जी। जी। ते चाचा रेट नहीं लगा इधर? रेट सही कोनी। ते तुसा 1,30,000 मांग देवे? 1,40,000। 1,40,000 ते लगा के चाचा? ये फर्क फर्क ही रेट लगते हैं। अच्छा, कोई कोई लेंदा 1,00,000 रुपया, कोई लेंदा 1,05,000। यानी के चाचा तुहाडे वारे च नहीं जेड़ा रेट मंडी च लगदा? ते केड़ी शायद ते चाचा गिन के आए हुए? मैं रिक्शे ते गिन के आया। रिक्शे ते गिन के आए हुए? ते नविका दा भला गिन हुए तो चाचा आवन वंजन दी चट्टी? हाँ, मजबूरी है, रेट ते जो ना आवे तो। चाचा कोई मोबाइल नंबर है तुहाडा, कोई अगर खरीदार होवे असा राबता कर सकूं? 0-348-049-965। 1,40,000 दा तुसा देवे? ठीक है जी। अगर कोई होया चाचा ये वजन वलाडी साढ़े हो कितने? तकरीबन 4-4.25-4.5 मान। ठीक है चाचा, असा दुआ को इंशाल्लाह ताला अल्लाह तुहाडे माल च बरकत दे। इलाही आमीन। गर्मी भी ठीक है चाचा, इसको किथा ही छां ते साए ते खड़ा कर। बा हुन बैंदे आ, अल्लाह खैर करे। लाला क्या हाल है? ठीक। किडू आए हुए? फतेहपुर चो। फतेहपुरी चो। लाला जोड़े का क्या मंगना है? इंदा 1,15,15 मंगते हैं। 1,15,000 ऐसा? 1,15,000 ऐसा? हाँ जी। ते लाला माशाल्लाह वजन के इना दा? वजन इना दा कोई हो सके? 2-3 मान जी। 2-3 मान, यानी के 2-3 मान इनका वजन होगा। 1,15,000 आप एक का मांग रहे हैं, यानी के जोड़े का 2,30,000। जी हाँ। ठीक है, तो रेट क्या लगा भाई जान? रेट अभी इसका लग रहा है 90-85, यानी के 90,000-85,000 लग रहा है। दोनों का लग रहा है, एक एक का। एक एक का? हाँ जी। यानी के एक का 90,000 लग रहा है, आप 1,15,000 मांग रहे हैं जी। तो आपके निस्बत मंडी सस्ती है महंगी है? अब ईद आ गई, महंगी है। महंगी है? तो फतेहपुर से आए हैं आप? हाँ जी। अकेले आए हैं? नहीं, उस्ताद भी नाल है इधर। अच्छा अच्छा, तो सुबह का यानी कि कोई ख़रीदार आपकी तरफ नहीं आया आपके रेट के हिसाब से? नहीं, ले रहे हैं, हम बेच रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। अच्छा, ख़रीद भी रहे हो बेच भी रहे हो जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके कारोबार में रहा। ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद, थैंक यू भाई। भाई जान ने खरीद किया या बेचण आए हुए? बेचण आए। बेचण आए हुए थे, कितों आए हुए भाई जान? पुकारा चो जी। पुकार चो। अच्छा, डेरा इस्माइल खान चो। तो लाला कितने, क्या कीमत है इसकी? 1,60,000। ते लाला माशाल्लाह घर दा तैयार की तो है? घर दा तैयार की। माशाल्लाह जानवर भाई जान तोड़ा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ते वजन के हो सी लाला? वजन तकरीबन हो सी 5 मन हो सी। 5 मन। ते लाला कीमत इसकी क्या है? 1,60,000 इसकी कीमत है। ते माशाल्लाह, कोई मोबाइल नंबर है भाई जान तोड़ा? कोई घिनण वाला होवे असा उस नाल राबता करूं तोड़े नाल? 0-3-46-915-15-78। नंबर वाला डी साहब 46-915-15-78। ठीक है भाई जान, कोई गिनन आला होता है सर रابطہ कर लेंगे। अस्सलाम चाचा, के मांग देवे? मैं इधर 1,03,000। 1,03,000। ते चाचा माशाल्लाह के वजन है इधर? इधर वजन 3 मन। 3 मन माशाल्लाह। 1,03,000 मांग देवे ते लगता के चाचा? ए 95-96 वो लगता है जी। ऐसे 95-96 घाटा है? तुम्हारा घाटा मजदूरी नहीं दे? अच्छा जी हाँ। 1,05,000 का 51 बात मजदूरी बन दी है गर्मी। 1,05,000 का 51 बात वारे? हाँ बात वारा है, मजदूरी है। कितों आए हुए चाचा तू? असा डेरे इस्माइल खान जो। डेरे इस्माइल खान जी? हाँ जी हाँ। डेरे इस्माइल खान चू केड़ी शायद गिन के आए हुए? ये डाले थे जी हाँ। जी हाँ, 1,000 रुपये डाले ला किराया किता है जी हाँ। गर्मी है? गर्मी तो वाकई चाचा बहु में किथा ही साया ते घिन के खड़ो है। साया है को ना? साया ते करने तो यो नहीं आंदा, गाख नहीं आंदा। अच्छा। जी हां जी हां। ते कोई मोबाइल नंबर चाचा? जी हां, 0-308-816-96-41। ते एक दफा बला कीमत डिसेस होते वजन? ए वजन त्रै माना सा तक ने 95-96 लगदा खड़ा है। 1,00,000 ते भी असान आखिरी मजदूरी नहीं बनेदा।
ठीक है तो सा फोन नंबर दसा कोई खरीदार होंदा सारा आप तक जी जी खरीदार हो तो देसु चलो ठीक है को के देसु ते ठीक है बना के देसु अच्छा जी जी अगर कोई मिल वेंदा खरीदार ते कितने मुनासिब पैसा ही तो सा 1,05,000 ते देसु अच्छा 1,05,000 जी जी चलो ठीक है मेहरबानी चाचा शुक्रिया।